नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जनता के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 82.5 की वे किर्लोस्कर का वीडियो आ चुका है, जिसको हमने बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी कर दिया दोस्तों। जेन्युइन सेट है, 1 रुपये में से निकाला हुआ। अभी मैं आपको स्टार्ट करके लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का अंत जरूर दिखेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन भाई ने हमसे परचेज किया उनका मैं आपको छोटा सा एक इंटरव्यू भी दिखाने वाला हूँ वीडियो के बीच में, तो वीडियो का अंत जरूर दिखेगा दोस्तों। और ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, किर्लोस्कर का 82.5 KV का जेन सेट है, जिसका ये कंट्रोल पैनल है, बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों। इसके अंदर हम लोगों ने VF लगाया है, वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी चारों चीजें बताएगा और घंटी भी बताएगा आपको। ये लोड ऑन की लाइट है, जो लोड डालेंगे तो ऑन हो जाएगी। DG ऑन की लाइट है दोस्तों। ये MC भी लगी हुई है इसके अंदर लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। ये ऑयल प्रेशर मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ये बैटरी चार्जिंग का मीटर है दोस्तों, एक AC इंडिकेटर और ये चाबी स्विच है जिससे जनरेटर स्टार्ट होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों, ब्रांड न्यू पैनल हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार जनरेटर है किर्लोस्कर का। 4R1040 टर्बो आफ्टर कूलर के साथ में 4 सिलेंडर का इंजन है, 105 BHP का, बहुत ही शानदार इंजन है दोस्तों। जेन्युइन सेट है, 1 रुपये में से निकाला हो, जिसको बिल्कुल रिफर्बिश करके हम लोगों ने शोरूम कंडीशन में बना दिया है। प्रॉपर सपोर्ट दिया रेडिएटर की, जेन्युइन हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप लगाया दोस्तों। हैवी ड्यूटी हम लोगों ने इसके नीचे बेस लगाई है, जिसके नीचे 6 पैड भी लगाए जाएंगे। सारे हॉस पाइप वगैरह दोस्तों देख सकते हैं जेन्युइन लगे हुए हैं, 7K इसके ओरिजिनल EPDM के। बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है दोस्तों, क्रॉम्पटन ग्रीस का, 82.5 KV का, 3 फेज का, इसमें ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, सिंगल बैरिंग का, AVR वाला दोस्तों, फुल कॉपर वाइंडिंग का होता है ये जेन्युइन सेट। और के अंदर सब AVR वाले आते हैं। हैवी ड्यूटी एयर फिल्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वायरिंग के अंदर फ्यूज भी दिया है हम लोगों ने। हैवी ड्यूटी बैटरी की लीड है, ये बैटरी का स्टैंड है, ये इसका टर्बो है दोस्तों, जो इसके BHP बढ़ा देता है। ये आफ्टर कूलर है, जिसके लगने से इसके BHP बढ़ के 105 HP का इंजन हो जाता है। ये 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों, 100% लोड पे 7 से 8 लीटर 1 घंटे में डीजल खाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है। इसके अंदर फैनर की हम लोगों ने जेन्युइन बेड लगाई है। ये UP जा रहा है दोस्तों, एटा कहाँ के लिए रेडी हुआ है। इसके अंदर हैवी ड्यूटी हम लोगों ने साइलेंसर भी लगाया है, देख सकते हैं दोस्तों। इसका प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325300 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक। तो चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं। नमस्कार भैया जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अंकित गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट एटा, UP से आया हूँ। अच्छा, कौन सा जनरेटर लिया सर आपने? 4 सिलेंडर है, 82.5 KW का। अच्छा, तो कहाँ से पता चला आपको हमारे बारे में? YouTube से देखा था आपका प्रचार। अच्छा, तो जैसे देखा आपने वैसा पाया या कुछ फर्क मिला? जो देखा वही है, एक्चुअल है। संतुष्ट है आप क्वालिटी से? बिल्कुल, क्वालिटी आपकी 1 नंबर है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने जनरेटर लिया है 82 KV का किर्लोस्कर का। चलो स्टार्ट कराते हैं सर से, स्टार्ट करिए सर एक बार आप। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। सारे पैरामीटर आप इस पैनल पर आसानी से देख सकते हो। ऑयल प्रेशर भी बता रहा है, बैटरी चार्जिंग भी चालू हो चुकी है, सबके अंदर लाइट भी लगी हुई है। VF लगा है, जो वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी आर बताएगा। लोड ऑन की लाइट लगी है, मैं भी आपको लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, कोई वाइब्रेशन नहीं किसी टाइप की, देख के लगी रहा होगा जनरेटर चल भी रहा है, केवल आवाज़ आ रही है दोस्तों, उसको कहते हैं काम। बिल्कुल जेन्युइन सेट रेडी हो चुका है ये, कोई देख के कह नहीं सकता जनरेटर पुराना है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों, DJ वगैरह के पर्पज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं किसी टाइप का, और आप इंडस्ट्री वगैरह में भी लगा सकते हैं, कहीं से भी पर्पज़ में इस जनरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसे रख दो और नए जनरेटर रख दो, परफॉर्मेंस में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं, अभी मैं आपको लोड डाल के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, 40, 44, 43 तीनों फेसों पर लगभग 45-45 MPA लोड चल रहा है। 100% लोड डाल के ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, 90 MPA लोड पर फेस डाल के हम लोगों ने चेक किया था वाटर लोड पे। पूरा वीडियो के अंदर दिखाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं 50-50 फ्रिक्वेंसी है, अभी 100 MPA से ऊपर 120 MPA के आसपास जनरेटर पर लोड चल रहा है, और पता ही चल रहा है इंजन को भी कुछ हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, हमारे बड़े भैया जी कस्टमर को सारी चीज़ें समझा रहे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही शानदार जनरेटर है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देख सकते हैं कस्टमर हमारी सारी चीज़ें समझ रहे हैं, किस तरीके से क्या ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताई जाती है दोस्तों। सारे पैरामीटर वगैरह इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, इस पैनल के अंदर सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें एसेंशियल जो होती है लगाई हुई हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। अब लोड हटा के दोस्तों जनरेटर को बंद करेंगे, लोड हटा दिया, अब जनरेटर को बंद करके इसे डिलीवरी के लिए तैयार करेंगे दोस्तों। जनरेटर बंद हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप, डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है। अब इसे अच्छी तरह साफ़ सफाई करके हम लोग पैक करके एटा उत्तर प्रदेश के लिए इसे रवाना करेंगे।
और ये जेनसेट पैक हो चुका है दोस्तों, गाड़ी में लोड हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जेनसेट ऑर्डर करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद दोस्तों।